सभी हेल्पलाइन में आपका नमस्कार, सेवी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। किसके लिए सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार सर, पीएसएल इंडिया लिमिटेड के बारे में सर कुछ पता जानकारी लेनी थी। जी, पल्स एग्रो कोऑपरेटिव लिमिटेड जानकारी दी जाएगी पीएसएल के बारे में। जी जी जी, आपका नाम जान सकता हूँ? जी सर, मेरा नाम यूएस खान है, मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर। जी यस खान जी, जी आपने पीएसएल के रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है? जी सर, मेरे बॉन्ड ऑफिस में जमा है सर, तो आवेदन प्रक्रिया में मैं भाग नहीं ले सकता। जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। यशकान जी, बताना चाहेंगे पीएसएल की जो रिफंड की प्रक्रिया अभी आर्मुड़ा कमेटी द्वारा शुरू की गई है, अभी जो अपडेट है सेबी की वेबसाइट पे, जी 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 वो 31 जुलाई 2020 की अपडेट है। शुक्ला उन निवेशकों का रिफंड की प्रक्रिया की जानकारी दी गई जिन्होंने 31 जुलाई 2019 से उससे पहले पीएसएल के रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। जी, जिनमें अभी 8,000 से कम के जो निवेशक है उनके रिफंड की प्रक्रिया चली, जिनमें अब तक 9,71,565 निवेशकों को पीएसएल का रिफंड दिया जा चुका है और बाकी की प्रक्रिया जारी है। और 8,000 से अधिक वालों को फिलहाल अपडेट नहीं है, उनको वेट करने के लिए कहा गया है। और जिनका बॉन्ड जमा है रिसीविंग उनके पास है, इसके लिए भी कमेटी द्वारा कार्य चल रहे है कि उनको वो रिसीविंग के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आवेदन करना है, तब तक के लिए उनको वेट करने के लिए कहा गया है। जी यस खान जी, सर ये तो मुझे पता है, सब कुछ मालूम है आपकी इस बारे में, लेकिन सर मेरा ये प्रॉब्लम ये है कि मेरे चाचा जी की डेथ हो गई जी, और उनका डॉक्यूमेंट उसमें जमा है। जी, तो उनके नॉमिनी जो हो गए जी जी जी, जी। तो जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी तो उनको जानकारी दी जाएगी कि उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट आवेदन करना है। फिलहाल अभी नए आवेदन की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिलहाल तब तक उनको वेट करना होगा। जी सर, एक हमारे भतीजे की लड़की है, वो अब 10 साल का हो गया है, पैदा होते ही करवा दी, क्योंकि 30-35 साल से हम लोग इस कंपनी से जुड़े हुए थे। FDRD से मैच्योरिटी हम 5-5 साल में ले लेते थे, अब इसमें डबल करवा देते काम करवा, तो सर अब अचानक प्रॉब्लम आ गई, तो बच्चे के बारे में अभी प्रक्रिया चल रही है कोर्ट द्वारा, कोई अपडेट आती है वहाँ से कि नॉमिनी को क्या क्या डॉक्यूमेंट आवेदन करना है या उनका जो नॉमिनी रहेगा जी 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 उसके रिगार्डिंग वो जानकारी उपलब्ध होगी। फिलहाल अभी आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं है, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं उपलब्ध है। इसे अपडेट कुछ आएगी कमेटी द्वारा आर एम सेवी की वेबसाइट पे, उस समय आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी और प्रॉपरली जानकारी दी जाएगी, गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। नहीं सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसका पैन कार्ड बना हो तो अब तक प्रक्रिया, पैन कार्ड नहीं बना हुआ बच्चे का, तो प्रक्रिया होगी तो इस बच्चे का पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी क्या? जी, तो वो पैन कार्ड जब लगेगा तो उस समय मांगा जाएगा, तो बैंक में उनका अकाउंट या कुछ रहेगा तो उसके रिगार्डिंग में जानकारी मांगी जाएगी। फिलहाल अभी वेट करना होगा। नहीं सर, ऐसा होता है कि पैन कार्ड बनने में टाइम लग जाता है, मेरा पैन कार्ड 3 महीने बाद आया था, तो अब प्रक्रिया शुरू हो गई और उसमें पैन कार्ड मांगा गया बच्चे का, तो ऐसे में वो लंबा टाइम लग जाएगा पैन कार्ड आने में, तो सर बनवा के रखना सही है तो आप बताएं मैं कैसे बनवाऊं? जी, पैन कार्ड को आप अप्लाई कर दीजिए, पैन कार्ड के लिए अगर लगेगा तो उसी समय जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। फिलहाल अभी डॉक्यूमेंट क्या लगेगा उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्या वेट करने के लिए कहा गया है। जब प्रक्रिया शुरू होगी तो उस समय बैंक डिटेल, पैन कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसके रिगार्डिंग आपको प्रॉपरली जानकारी दी जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए ये, और जिनके नॉमिनी है उनको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। जी जी सर, और हमारी एक भतीजी है, उसकी शादी हो गई, तो सर अब उसके नाम डॉक्यूमेंट है तो ताकि तो किस तरीके से उसकी शादी हो गई, जी अभी फिलहाल वेट करना होगा, जब तक कोई नई अपडेट नहीं आती है तब तक अधिक जानकारी नहीं दी जाएगी। अभी जो प्रक्रिया चल रही है रिफंड वाली, जो प्रक्रिया चल रही है ऑनलाइन आवेदन वाली, जी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किए है, अभी जैसे कोई अपडेट आती है यदि कुछ तब जानकारी दी जाएगी। अभी उसके अलावा बाकी सबको वेट ही करने के लिए कहा गया है, यदि कुछ अपडेट आती तो ही जानकारी